जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके NM गुड़ा एक्स रोड पर कुछ नौजवानों ने बगैर पुलिस की परमिशन लिए कर्नाटका में हुए हर्षा नामी लड़के के कत्ल पर कैंडल मार्च कर रहे थे कि वहीं से गुजरने वाले दो नौजवानों से बहस और तकरार हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पे पहुंचकर हालात को कंट्रोल में कर लिया और बगैर परमिशन के कैंडल मार्च निकालने पर सख्त कार्रवाई करने का अंतबा दिया। DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग भाई, आज अभी 9 बजे के टाइम पे जो अत्तापुर की शिवाजी नगर की थोड़ा बच्चे 4 दिन की पहले जो कर्नाटक में हर्षा बोल के बजरंग दल एक्टिविस्ट को मारे, उसी सिलसिले में यहाँ पर एक छोटा कैंडल रैली निकालने की वो लोग जब का जब सोच के कैंडिलां पकड़ के वह शिवाजी नगर से NM गुड़ा चौरस्ता तक पहुँचे। वहाँ पर बाइक पे जा रहे सो दो लोग 11 से बहस करके झगड़ा कर लिए। वही झगड़ा में ये बच्चे लोग एक को ऐसा दबाते हुए वो कॉलर पकड़ के खींचे। इस बीच में पुलिस गए वहाँ पर इमीडिएटली और सबको डिस्पर्स करे। उन तमाम लोग से गुजारिश है, जो भी लोग कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जो भी पार्टी का लोग भी हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का भी लोग हो, वो प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी है। आप 3-4 दिन से हर एक जगह माहौल ऐसा है जिसका मनमानी वैसा रैली नहीं निकाल सकते हैं।
ये एरिया जो है बहुत सेंसिटिव एरियाज है, ये एरियाज में जो भी करना है पहला इंटीमेशन दे दे के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक इंसान को हक है, प्रायर परमिशन लेके जो भी काम कल भी हुए ये इंसिडेंट के खिलाफ में, कल कैलेंडर रैली हुए, पुलिस बंदोबस्त दिए, आज सुबह भी हुआ दूसरे इंसिडेंट के ऊपर, ये बच्चे लोग जब का जब सोच के काम करे सो लोग पूरा इकट्ठा हुए, वो सोच के रोड पे आ गए कैंडी लैंप ये लोग, उसके ऊपर फर्दर इमीडिएट पुलिस से 10-5 मिनट के अंदर आप वही वीडियो में हमारा व्हीकिल का भी आने का आप देखे हैं। मैं सबसे गुजारिश यही कर रहा हूँ जो वीडियो दूसरों को शेयर नहीं करना है सोशल मीडिया में, जो भी वीडियो है मैंने जो भी वीडियोस है वो हमारा को शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियोस है हमारा इन्वेस्टिगेशन पे काम आएगा, हम सबके ऊपर जो भी गलत काम करे उसके ऊपर कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। आप कल देखेगा लोगों से यही अत्तापुर की जो भी हैदरगुड़ा जो भी किशनबाग जो भी बहादुरपुरा जो भी हसन नगर नौ नंबर पहाड़ राजेंद्र नगर इलाके में जो भी लोग है यहाँ पर कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, जो बस्ती में जो छोटा गड़बड़ होते हैं बच्चे बच्चे के बीच में ऐसा गड़बड़ हुआ है, पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंचे हैं पूरा डिस्पर्स कर दिए है, अभी यहाँ पर कुछ वही सिचुएशन है ही नहीं, लोग ऐसा बोलते जा रहे हैं आप बिलीव नहीं करना है, जो भी अगर मीडिया में अगर सोशल मीडिया में कोई दूसरा इंसिडेंट लेके उसको टैम्परिंग करके कम्युनल हार्मनी के लिए डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, मैं सबसे यही मांग रहा हूँ अब पब्लिक से विनती है अब सब शांति कायम करने के लिए आपका हाथ बढ़ा दीजिए पुलिस के साथ में, पुलिस सबके लिए तैयार है काम करने के लिए, जो भी अगर गलत काम करे उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस तैयार है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।